आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। उत्तर प्रदेश समेत देश के 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। यूपी में 10 फरवरी को पहले चरण के लिए मतदान होगा, जहां एक तरफ अब सभी राजनीतिक दल उम्मीदवारों पर मंथन कर लिस्ट जारी करने में जुट गए हैं, तो वहीं सत्तासीन भाजपा में इस्तीफों से हलचल बढ़ गई है और इस हलचल ने सूबे की राजनीति को ठंड के मौसम में भी गर्म कर दिया है। 24 घंटे पहले योगी सरकार से इस्तीफा देने वाले मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया है। देखिए रिपोर्ट। सूबे में इन दिनों सियासी पारा काफी हाई है। भाजपा को भी लगातार झटके लग रहे हैं। पहले मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा और अब एक और मंत्री दारा सिंह चौहान का इस्तीफा। दोनों मंत्रियों के इस्तीफे से भाजपा में हलचल बढ़ गई है। 5 साल आपने इस्तीफा नहीं दिया, कुछ नहीं किया, आप लोग मलाई खाते रहे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, 5 साल तक जिस पिछड़े, जिस दलित, वंचित, उपेक्षित लोगों के सहयोग आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो 5 साल तक उपेक्षित रहे, लोग मलाई खाते रहे, लेकिन उनको कोई कुछ भी नहीं मिला, उनको इंसाफ, न्याय, सम्मान नहीं मिला। इससे आहत होकर के मैंने आज सरकार से इस्तीफा दिया है। तो वहीं अब पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ MP MLA कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। दरअसल एक पुराना मामला है, जिसमें सुल्तानपुर के MP MLA कोर्ट ने 24 जनवरी को उन्हें पेश होने का आदेश देते हुए वारंट जारी किया है। बता दें कि साल 2014 में स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा महासचिव और नेता प्रतिपक्ष थे। उस दौरान मौर्य ने देवी देवताओं को लेकर विवादित बयान दिया था। इसको लेकर मौर्य के खिलाफ पर 7 साल पहले धार्मिक भावना भड़काने का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी मामले पर पेश न होने पर बुधवार को MP MLA कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया। बता दें कि यह कोई नया मामला नहीं है। दरअसल ये वारंट पहले जारी किया गया था, लेकिन तब स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाई कोर्ट से इस पर स्टे ले लिया था। बीती 6 जनवरी को इसी मामले में कोर्ट ने इन्हें 12 जनवरी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था, लेकिन जब वह बुधवार को हाजिर नहीं हुए तो गिरफ्तारी वारंट को पहले की तरह जारी रखा गया है। जहां एक ओर भाजपा की परेशानियां बड़ी हुई हैं, तो वहीं अब कभी बसपा के कद्दावर नेताओं की लिस्ट में शुमार स्वामी प्रसाद मौर्य को MP MLA कोर्ट ने मुश्किलों में डाल दिया है। अब 24 जनवरी को उन्हें कोर्ट में पेश होना है। फिलहाल ये साफ कहा जा सकता है कि जितना बड़ा राज्य उतना बड़ा सियासी दांवपेच। हालांकि अब देखना है कि क्या मौर्य कोर्ट में पेश होंगे। प्राइम टीवी के लिए विकास मिश्रा की रिपोर्ट। प्राइम टीवी के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी और मुझे यानी अनुष्का सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।